अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 13। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर आर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, विच आर ऑन योर पेज नंबर 31 एंड 32। एंड द अदर टॉपिक विल बी ऑफ पीएच स्केल। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो अभी जो आपके इस चैप्टर में गिवन है, उसमें फर्स्ट वन इज़ अबाउट स्टमक एसिडिटी। तो स्टमक एसिडिटी, जिसको हम बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं एसिडिटी का, सिंपली नोन एज एसिडिटी, ये होती क्या है कि आपका जो स्टमक है उसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ बहुत सारे जूसेस जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो साथ ही एक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस वजह से नेचर ने हमारे स्टमक में इसकी प्रोडक्शन रखी है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना, वो उसके ऊपर ये एसिड एक्ट करता है और फिर उसको वहाँ से डाइजेशन में उसके हेल्प आउट करता है। तो इसकी डाइजेशन के लिए, जो खाना हम खा रहे हैं उसकी डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन हमें ये भी पता है, हमने पहले पढ़ा कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि वो करोसिव होते हैं। जब भी स्किन के ऊपर गिरेंगे या लगेंगे तो क्या होगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, ये चीज़ हमने देखी है ना। तो ये किस तरह से हमारी बॉडी जो है, उसकी जो बर्निंग है या उसकी करोसिव नेचर है, उससे अपने आप को बचाती है, हमने ये चीज़ भी इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टमक एसिडिटी क्या होती है, कि जब वो जो स्टमक के अंदर एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द स्टमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सीड्स, एक ऑप्टिमम लिमिट होती है ना हर चीज़ की, तो जब वो अपनी उस लिमिट से एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है, तो क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशंस प्रोड्यूस होती हैं। आपको यूं लग रहा होता है जैसे आपके मैदे में जलन हो रही है, या आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो थोड़ा सा ऊपर बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं आपको, तो क्या होता है कि वो जो एसिडिटी होती है ना, वो आपको चेस्ट बर्न के तौर पे भी फील हो रही होती है, जैसे हार्ट बर्निंग हो रही होती है, कि दिल जो चेस्ट कैविटी है आपकी, वहाँ पर भी थोड़ी बर्निंग फील हो रही होती है, क्योंकि एसिड्स जो हैं वो ऊपर आपकी गट की तरफ को भी ट्रेवल हो रहा होता है, साथ साथ डाइजेशन के थ्रू भी हो रहा होता है, सारा ये पर्पस, ये सारा चल रहा होता है। तो अब इसी तरह से स्टमक एसिडिटी कॉज होती है। तो एक तो काम ये था कि बिगर मॉलिक्यूल्स को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉलर वंस, और सेकंड फंक्शन इस एसिड का जो आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई भी डिफरेंट कोई भी जर्म्स चले जाते हैं, तो उनको किल करने के लिए भी, आपको डिजीजे से बचाने के लिए भी नेचर ने ये आपका एक इम्यून सिस्टम के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। तो ये तो चीज़ हो गई ना। तो फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइपर एसिडिटी हम किसको कहते हैं। तो जो स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट पे प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, वही चीज़ हमारे पास हाइपर एसिडिटी के अंदर आती है। सिम्टम्स हमारे पास इस चीज़ के आते हैं कि आपको क्या फील हो रहा होता है, कि हार्ट बर्न हो रहा है, या आपकी स्टमक में थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशंस फील हो रही हैं। प्रिवेंट आप इस चीज़ को किस तरह से कर सकते हो, कि ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करो, अवॉइड करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं खाना, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप खाना खाते जाओ, और फैटी एसिड्स जो बहुत सारे होते हैं, ऑयल्स हैं, लिपिड्स हैं, इनसे, ऑयली फूड जिसको हम कहते हैं, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और स्पाइसी फूड, जो बहुत ज़्यादा आपके पास स्पाइसेस वाली चीज़ें होती हैं, जो बहुत बच्चे भी शौक से खा रहे होते हैं, उससे भी आपको उन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। फिर साथ साथ अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो आपको अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करनी चाहिए, डाइट मेंटेन करें, रेगुलर ईटिंग होनी चाहिए आपकी, और खाना खाने के बाद एटलीस्ट 45 मिनट्स तक आपको अपराइट पोजीशन में रहना चाहिए, विच मीन्स कि आपको 45 मिनट्स तक लेटना नहीं चाहिए या लीनिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए, कि आपके जो एसिड्स हैं वो आपकी गट की तरफ को ट्रेवल करें। तो इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना होता है, और हेड एलिवेटेड होना चाहिए वाइल यू आर स्लीपिंग। क्या मतलब है कि सर जो है वो आपका थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, इससे भी आप एसिडिटी से बच जाते हो। सेकेंड सेकेंड पॉइंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। अब एचिंग जो होती है ना, ये क्या चीज़ होती है? हमने पहले जो यूजेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़े, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि एचिंग ऑन कॉपर प्लेट्स और इस तरह के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे ना, तो ये वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ पर एच कर रहे हैं हम? जो आर्ट्स बना रहे हैं या कोई डिज़ाइंस प्रिंट कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर हो रहे हैं? ग्लास प्लेट्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स पर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं ग्लास प्लेट्स के ऊपर। अब ग्लास प्लेट के ऊपर जब एचिंग करनी होती है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? कि सबसे पहले आप एक ग्लास प्लेट लेते हो,
उसके ऊपर वैक्स स्टेंसिल के साथ अपना कोई भी पैटर्न ड्रॉ करते हो जिस एरिया पर आप चाहते हो कि एचिंग ना हो, यानी आपने जहाँ जहाँ पर वो वैक्स स्टेंसिल से कोई डिज़ाइन आपने ड्रॉ किया है या वैक्स स्टेंसिल अप्लाई किया है आपने उसके ऊपर, तो उतनी जगह जो होगी वो महफूज रहेगी एचिंग से, बाकी सारा पोर्शन जो होगा वो एच हो जाएगा उसके ऊपर। उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि जब हम उसको वैक्स स्टेंसिल के साथ उस मिरर को या ग्लास के ऊपर अपना कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप किया जाता है। इट इज़ नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर उसको डिप करते हैं। एसिड क्या करता है कि जितना आपके पास जो पोर्शन था ग्लास प्लेट का, वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, और जो एक्सपोज पार्ट होता है ना, विच मीन्स द पार्ट वेयर वी हैव नॉट अप्लाइड द वैक्स स्टेंसिल, कोई भी आपने उसके ऊपर वैक्स के साथ कुछ भी नहीं ड्रॉ किया हुआ, तो वो जो पार्ट होता है एक्सपोज पार्ट, उसका ग्लास का जो होता है ना, उसके ऊपर एचिंग हो जाती है, और इसके साथ आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रिंट्स और बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आपको नज़र आ जाते हैं। एक नुकसान इस तरह की एचिंग का ये होता है कि ये जो आपका जो भी आर्टिस्ट है जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये टिश्यूज़ को, स्किन को डैमेज कर देता है, तो ये इस वजह से इसको थोड़ा सा डील करने के लिए मुश्किल है। अदरवाइज इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और इसकी पिक्चर आप अपने बुक में पेज नंबर 32 पर देख सकते हो कि किस तरह से एचिंग होती है इसके अंदर। नाउ द मेन टॉपिक विच वी हैव टू कवर टुडे इज़ द पीएच स्केल। पीएच होती क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम आएंगे पीएच स्केल की तरफ, फिर हम पीएच की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट सोल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीएच। पीएच हम कहते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन को। अब यहाँ पर ये जो आ रहे हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स, इसको हमने पढ़ा था दैट स्क्वेयर ब्रैकेट्स आर फॉर कंसेंट्रेशन, दे रिप्रेजेंट कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन। हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा है काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन इन एनी सोल्यूशन वो डिस्क्राइब करती है उस सोल्यूशन की पीएच को। अब जनरली स्पीकिंग मैं अगर आपसे कहती हूँ कि इस सोल्यूशन की पीएच क्या है, इस सोल्यूशन की पीएच क्या है, या मेरे पास ये वाला कंपाउंड है इसकी मुझे आपने सोल्यूशन बनाकर उसकी पीएच बतानी है, तो इससे मुराद ये होती है कि जनरली जो हम एक किसी भी पर्सन को समझाने के लिए ये बात कर सकते हैं कि वेदर दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, और अगर वो एसिडिक है तो वो कितना परसेंट एसिडिक है। परसेंट का वर्ड यहाँ पर एग्जैक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। असल में हम इसको क्या कहेंगे कि अगर वो एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, और अगर वो बेस है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो एक वीक बेस है या एक वीक एसिड है या एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस चीज़ को हमने बताने के लिए एक स्केल फाइंड कर लिया है विच इज़ पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या होता है कि हमने हाइड्रोजन आयंस की जो कंसेंट्रेशन होती है ना किसी भी सोल्यूशन के अंदर, उसको हमने मेजर करना होता है। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस वो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। अब ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन क्या मतलब कि जो पानी का एक मॉलिक्यूल है ना, अगर आपने एक ग्लास में पानी रखा हुआ है तो उसके अंदर ऑटो आयोनाइजेशन हो रही है, उसको आपको कोई भी इनिशिएटिव नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई भी एक्टिवेटर नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो हर वक्त उसके अंदर जो ऑटो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज़ कैरिंग ऑन। तो क्या होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर, ये उसकी ऑटो आयनाइजेशन की एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के अंदर हम कौन सा एरो इंसर्ट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल एरो क्यों, क्योंकि हर वक्त जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में दोनों तरफ वो गोइंग ऑन है। जब हम इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम ड्रॉ करते हैं ना इसका, तो हमारे पास आ जाता है ये एक एक्सप्रेशन। और ये किस तरह से आया, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था दैट के सी इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसेंट्रेशंस का प्रोडक्ट हमने लिखना है न्यूमरेटर में,
और रिएक्टेंट चूंकि है ही एक, तो हमने उसकी मोलर कंसेंट्रेशंस को लिख उसकी मोलर कंसेंट्रेशन को लिख देना है डिनोमिनेटर में. तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसका एक्सप्रेशन. अब चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल है ना H2O, तो उसकी कंसेंट्रेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है. और वो क्या मतलब है कि उसने एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना है, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करना है, कंसेंट्रेशन उसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा. तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको रखेंगे वेरिएबल में न्यूमरेटर को, और ये जो H2O की कंसेंट्रेशन है ना इसको हम ले यहाँ पर कंसीडर करेंगे एज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट में कंसीडर करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट्स दोनों एक साइड पर ले जाएंगे, विच मीन्स कि वाटर की मोलर कंसेंट्रेशन जो पहले डिनोमिनेटर में थी, जब वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल बी मल्टीप्लाइंग विद द वैल्यू ऑफ के सी. जब हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया ना, तो इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है. हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने इतना बड़ा जो लिखना है के सी और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, हमने इतना बड़ा करके जो लिखना है, हम इसकी जगह पर चूंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं तो हम एक नया कांस्टेंट डिराइव कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके पास पहले था के एफ ओवर के आर, और हमने उसकी जगह पर एक बड़ा कांस्टेंट ले लिया था के सी, यूं ही किया था ना. तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे कि के सी और H2O की मोलर कंसेंट्रेशन को हम के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर के डब्ल्यू. जब हम यहाँ पर ये इंसर्ट करेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ की प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स की, जब हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू आती है, इट इज़ 1 × 10⁻¹⁴. ये वैल्यू आपके पास यहाँ से रिलेशन से डिराइव होती है. इट इज़ इन द लिटरेचर, जो आपके पास एक पूरा लिटरेचर होता है ना, जो साइंटिस्ट्स काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एक चीज़ को फाइनल वैल्यूज दे देते हैं, ये वहाँ से हमारे पास आती हैं. तो चूंकि एक वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोड्यूस ही एक हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोक्साइड करना है, दोनों की क्वांटिटी सेम है ना, तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हम यूँ कह सकते हैं. और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन के हाइड्रोक्साइड की जगह पर हाइड्रोजन की मोलर कंसेंट्रेशन इस रिएक्शन में पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव होल स्क्वायर बन जाएगा, और एच पॉजिटिव होल स्क्वायर फिर इक्वल हो जाएगा इस वैल्यू के, यूं ही होगा ना. तो जब ये चीज़ हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगी, अब मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर तो लेना ही नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड. जब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो फाइनल वैल्यू एक हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसेंट्रेशन की आपके पास आ जाती है 1 × 10⁻¹⁷. ठीक है, ये आपके पास आ जाती है इसकी वैल्यू. अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स की मोलर कंसेंट्रेशन, वाटर के सॉल्यूशन की बात करें, वाटर की ऑटो आयनाइजेशन के बाद, तो हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻¹⁷. फिर हमने नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं कि चूंकि -7 और -14 और वो भी आपके पास पावर में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इतनी नेगेटिव वैल्यूज़ को आपने लेकर चलना है. तो उसके लिए आपको जो जितने भी सॉल्यूशंस बनाने हैं, या आपको जो भी पेपर वर्क करना है, जो आपको कैलकुलेशंस करनी है, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर लॉग यूज़ करते हैं. जैसे मैथ्स में आप लॉग के क्वेश्चंस करते हो ना, वैसे ही हम यहाँ पर भी लॉग यूज़ करते हैं. और लॉग के साथ हम क्या, -1 की पावर से, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स -log, ये आपके पास आ जाता है. और -log जब आपने लगा दिया, तो इसके साथ ही हम किसी भी चीज़ की, जब हमने किसी भी चीज़ की जब हमने नेगेटिव लॉगरिथम यानी नेगेटिव लॉग यूज़ करना होता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्मॉल पी. तो ये आपके पास जो पिछली इक्वेशन थी, ये वाली बिल्कुल लास्ट वन, तो इसको मैं लिख दूंगी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस की जगह पर हमने क्या लिखना है, चूंकि अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये वाली पूरी वैल्यू को जो आपके पास थी, इसको हमने चूंकि लॉग के फॉर्म में लिखा है, तो हमने क्या लिखा है इसको, -log हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसेंट्रेशन. और जब हमने -log किसी चीज़ के साथ अप्लाई किया है ना, तो फिर हम उसको नेगेटिव लॉगरिथम का सिंबल पी भी दे देते हैं.
तो पीएच का इस तरह से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसेंट्रेशन के साथ। तो जब ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया ना, तो अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसेंट्रेशन की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। जब आप वैल्यू इंसर्ट करते हो ना, तो क्या होता है, ये चीज़ आपके पास बन जाती है माइनस लॉग मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10⁻⁷ ये आपके पास हो जाती है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेटर्स पर अभी आप लोग सॉल्व करें 7, और फिर आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 7, यानी वाटर के अंदर जो ऑटोआयनाइजेशन के बाद उसकी हम पीएच फाइंड करते हैं, तो उसकी पीएच कितनी आती है, 7 आती है आपके पास। इसी तरह से अगर हम दोबारा वापस जाएं, हम यहाँ पर कहें कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन आयन की वैल्यू की जगह हाइड्रोक्साइड आयन को पुट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा OH- होल स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें आपके पास सेम होंगी, तो आप इससे POH भी फाइंड कर सकते हो। अब POH क्या चीज़ आ गई है, POH हम बेस के लिए यूज़ करते हैं, चूंकि हाइड्रोजन आयन्स आर कनेक्टेड आर लिंक्ड टू एसिड्स, और हाइड्रोक्साइड आयन्स जो हैं उनका हमने लिंक किस चीज़ से पढ़ा था, बेसिस के साथ। तो इस वजह से हम यहाँ पर POH फाइंड करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब हमने पीएच की वैल्यू फाइंड की, वो भी हमारे पास 7 आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर की चाहे हम पीएच फाइंड करें चाहे हम पीओएच फाइंड करें, तो वो दोनों कितनी आती हैं, 7। तो 7 + 7 हमारे पास जो टोटल सम आया वो आया 14। तो जो पीएच स्केल है उसके अंदर जो रीडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो कहाँ से रेंज करते हैं, from 0 to 14। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई कि 0 से 14 तक ही जाएंगे ये, इसके आगे या इसके पीछे कुछ नहीं है। अब जब 0 से 14 तक का टोटल एक सम आ गया आपके पास, टोटल नंबर्स आ गए ना, तो फिर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमने ये चीज़ डिराइव की कि जितने भी कंपाउंड्स pH 7 से नीचे होंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, वो सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और जितने भी कंपाउंड्स की pH 7 से अबव होगी, विच मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, जितने कंपाउंड्स की pH 7 से अबव होगी वो सब क्या होंगे, बेसिक कंपाउंड्स होंगे। तो इसका अगर हम ऑपोजिट देखें, अब हम POH की बात करते हैं, तो POH में इसका ऑपोजिट हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्या मतलब कि जितने भी कंपाउंड्स की, आपने इस टेबल पर गौर करना है, जितने भी कंपाउंड्स की POH 7 से कम होगी, ऊपर हमने pH में देखा था कि वो क्या थे, 7 से कम वाले एसिडिक थे, लेकिन पीओएच में 7 से कम वाले बेसिक होते हैं। और इसी तरह से पीएच में हमने देखा था कि 7 से अबव जितनी भी वैल्यूज आ रही थी पीएच की, तो वो कंपाउंड्स हम कहते हैं कि वो बेसिक होते हैं, लेकिन पीओएच में वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन दोनों में इनवर्स रिलेशन चलता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके पास बुक में गिवन है कुछ यूजेस ऑफ पीएच, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं हम पीएच, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पीएच को यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारी, एक वास्ट आपके पास एक नेटवर्क आ जाता है जहाँ पर आप पीएच को यूज़ करते हो। जैसे जो ईजीएस्ट या सबसे आप सिंपल इसका मेथड कहते हो, सिंपल इसका यूज़ कहते हो, वो क्या चीज़ होती है कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच फाइंड करने के लिए, ठीक है, टू चेक वेदर द कंपाउंड, वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, वेदर इट बिलोंग्स टू द एसिड कैटेगरी और द बेसिक वन। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक। तो दूसरा होता है कि जब आपने लैब वर्क करते हो ना, तो वहाँ पर एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ अगर आप कर रहे हो, ठीक है, सपोज मेरे पास एक बैक्टीरिया है ABC। अब ये ABC मैंने एक आपको वैसे ही नाम बता दिया, मेरे पास एक बैक्टीरिया है ABC, मैंने उसकी ग्रोथ करनी है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंटल, मैंने पूरा जब लिटरेचर सर्वे किया, मैंने पहले बहुत पढ़ा उसके बारे में, इंटरनेट पर बहुत सारे साइंटिस्ट का काम पढ़ा उससे पहले हुआ हुआ उसके ऊपर, तो मुझे ये पता लगा कि ये जो बैक्टीरिया ABC था, इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है pH 7 पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं pH 7 पर ही ज़्यादा फोकस करूँगी कि मेरे पास ज़्यादा अच्छा ये बनेगा। तो माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पर जब आपने कल्चर्स ग्रो करने होते हैं, जब आपने इस तरह से कल्चर्स लगाने होते हैं, किसी चीज़ की ग्रोथ करवानी होती है, तो ये चीज़ बहुत यूज़फुल होती है। फिर एक और यूज़ आता है इसका मेडिसिन की प्रेपरेशन में। अब जो मेडिसिन होती हैं उनकी भी पीएच होती है डिफरेंट, एसिडिक पीएच वाली भी होती हैं, बेसिक पीएच वाली भी होती हैं, तो इस चीज़ को भी मेडिसिन की प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर जब हमने बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शंस लगाने होते हैं ना अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो तब भी हम वहाँ पर इसका पीएच का बहुत ज़्यादा
रोल आता है, और वो किस वजह से आता है, क्योंकि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो हमें नेसेसरी होती हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे।